पिछले एक साल से जेल में बंद चल रहे मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट से मचाया गदर। अरविंद केजरीवाल का भी मिला मनीष सिसोदिया को साथ। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया पिछले एक साल से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद से मनीष सिसोदिया पिछले एक साल से तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। एक साल के अंदर अंदर मनीष सिसोदिया ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जमानत याचिका लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। यही वजह है कि मनीष सिसोदिया को अभी तक बेल नहीं मिल पाई है। लेकिन भले ही मनीष सिसोदिया जेल में हो, लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लगातार मनीष सिसोदिया को याद कर उनके द्वारा किए गए काम गिनाते रहते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही मनीष सिसोदिया को याद कर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मनीष सिसोदिया ने जो दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए काम किया है, उसे देश हमेशा याद रखेगा। मनीष सिसोदिया ने गरीब के बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सपना दिखाया और उसे पूरा करने में भी मदद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार कहते हुए दिखाई देते रहते हैं कि अगर आज दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे हैं, तो ये मनीष सिसोदिया का देन है। मनीष सिसोदिया के अच्छे काम के वजह से ही आज दिल्ली के प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल कम नहीं है। यही कारण है कि अभिभावक प्राइवेट स्कूल से नाम कटवाकर आजकल दिल्ली के सरकारी स्कूल में अपने बच्चों की दाखिला करवा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के टीम के तरफ से एक ट्वीट किया गया, जो ट्वीट मनीष सिसोदिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया गया है, जिसमें बच्चे मनीष सिसोदिया के द्वारा किए गए काम को लेकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि हमारे सरकारी स्कूल को इतना अच्छा करने के लिए मनीष सिसोदिया जी आपको धन्यवाद। जैसे ही मनीष सिसोदिया के टीम ने ये वीडियो मनीष सिसोदिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया, वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया, क्योंकि आज भी मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल बहुत ही ज्यादा याद करते हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की दोस्ती काफी पुरानी और सशक्त मानी जाती है। कई बार तो मनीष सिसोदिया को याद कर अरविंद केजरीवाल भावुक होते हुए दिखाई दिए हैं। अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड बन सकते थे और आम आदमी पार्टी को जिताने में काफी ज्यादा मदद कर सकते थे। लेकिन मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल के अंदर हैं। इस चीज की कमी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को खल रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही विधानसभा में खड़े होकर यह ऐलान किया था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से 11वां बजट मनीष सिसोदिया ही पेश करेंगे। अब ये तो आने वाले वक्त पर पता चलेगा कि मनीष सिसोदिया के बिना अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में कैसे प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं और मनीष सिसोदिया किस वक्त जेल से बाहर निकल अपने राजनीति का दूसरी पारी खेलते हैं। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की खबर देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके लिए न्यूज रूम से अमन बर्डियार की रिपोर्ट।